नमस्कार, तो मैं विवेक गुप्ता, करियर काउंसलर मुझे कहना चाहिए, ना कि सिर्फ MBBS काउंसलर, MBBS एजेंट। और देखिए, बहुत लोग आपके फ़ोन आ रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं मेरे कुछ वीडियोस। तो आपको एक और चीज़ बता दूँ, वही चीज़ जो शायद मैं कई सालों से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा चैनल शायद उतना अभी तक पॉपुलर नहीं है। और कई लोग हैं जिन्हें फ़ोन आ रहा है कि सर हमने अब जाके आपका पहला वीडियो देखा, हम तो पहले किसी और चैनल से यही वीडियोज़ देख रहे थे और किसी और काउंसलर और कंसल्टेंट के चक्कर में फंस गए। तो देखिए, आज बात करेंगे सिर्फ तमिलनाडु और पौंडेचेरी की डीम्ड की। और कुछ होता है ना, कुछ मैं कहता हूँ कुछ दुनिया में साबित हो जाता है। तो मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज जब था और 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया में, तो 12 तमिलनाडु और 4 पौंडेचेरी में थी। और आपको पता है पौंडेचेरी तमिलनाडु का ही पार्ट है, टोटल मिला के होगी 16 डीम्ड। अब मीनाक्षी को हटा देते हैं, 15 बची। इसके अलावा पौंडेचेरी में अपने स्टेट मेडिकल कॉलेज भी हैं 3, पता है आपको। और इसके अलावा 2 जिपमर जैसे कॉलेज की ब्रांच भी हैं। तमिलनाडु में 10,000 से ऊपर सीटें हैं टोटल, सरकारी और प्राइवेट। और तमिलनाडु के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो मैं स्टेट की बात करूँ, 10,000, तो भाई इतने सीटों की किसे ज़रूरत है, पहली बात तो ये। इतने मतलब पेशेंट कहाँ से लाओगे जितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। और दूसरा, मैं हमेशा खुल के कहता हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं वीडियो में कहने में, मैंने ना पूरी इंडिया को बहुत बारीकी से ट्रैवल किया है। तो अगेन आई रिपीट किया, आई एम नॉट अ MBBS कंसल्टेंट ओनली। इससे पहले मैं बहुत बड़ा कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव रह चुका, मेरी खुद की पढ़ाई अगर मेरा प्रोफाइल देखोगे तो बहुत बड़ी है। इस काम में तो मैं बहुत शौक से, पैशन से आया, क्योंकि मुझे एजुकेशन, कंसल्टिंग कह लीजिए, काउंसलिंग कह लीजिए, करियर काउंसलिंग कह लीजिए, का शौक है, चढ़ गया। अदरवाइज़ तो मैं MBA और BTech हूँ इंडिया के टॉप 2 कॉलेजेस से। तो उस जॉब से मैं पूरी इंडिया में घूमा नहीं, मैं ना हफ्ता 10 दिन से ऊपर रहा हूँ। तो एक तो होता है ना कि मतलब चलते चलते निकल गए, हफ्ता भी कम कह रहा हूँ। अगर मैं स्टेट बाय स्टेट जाऊँ, इंडिया का कोई स्टेट ऐसा नहीं है, मार्क माई वर्ल्ड, जहाँ मैंने कम से कम 1 महीना ना गुजारा हो, कुछ कुछ दिनों में, मैं ये नहीं बोलूँगा 30 दिन लगातार। शायद अरुणाचल को मैंने कभी टच नहीं करा, मिज़ोरम को कभी टच नहीं करा, ठीक है, और मेघालय को भी क्या हुआ है, असम को भी क्या हुआ है, मणिपुर को भी क्या हुआ है, और त्रिपुरा को नहीं करा, और नागालैंड को नहीं करा, बस, ठीक है। और वो 2 राज्य जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सर्वाइव करने में, वो होते हैं तमिलनाडु और केरला, एज ए नॉर्थ इंडियन। क्योंकि वो लोगों के जो लोकल लोग हैं ना, वो बिल्कुल, इसमें तमिलियन और मलयाली हैं, उन्हें हिंदी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। मैं चेन्नई शहर की बात करूँ, चेन्नई शहर में आप एयरपोर्ट पे ओला लीजिए, उस ड्राइवर को तमिल के अलावा कुछ नहीं आता, त्रिवेंद्रम के ड्राइवर को मलयालम के अलावा कुछ नहीं आता, तो बाहर तो आप छोड़ ही दीजिए। तो उस शहर में रहना, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है 4 दिन के लिए। तो 5.5 साल आपका बच्चा कैसे रहेगा, आप सोच लीजिए। और वैसे मैं नहीं कह रहा, वो साबित भी हो गया, क्योंकि तमिलनाडु और पौंडेचेरी के बदलों को तो उनके इतनी महंगे कॉलेज चाहिए ही नहीं, उनके पास तो अपने, मैंने कहा, लाइन लगी पड़ी है। पौंडेचेरी में एक सरकारी भी बड़ा शानदार कॉलेज है, फिर प्राइवेट कॉलेज है, स्टेट प्राइवेट, फिर तमिलनाडु में है, फिर जिपमर है, जिपमर में इंटरनल कोटा है। तो तभी तो सारे पौंडेचेरी के 3 और अब जो बची 4 और तमिलनाडु की अब जो 11 बची हैं, 15 की 15 आउट ऑफ 50 आपको बिल्कुल लोएस्ट कट ऑफ में नजर आएंगी, लोएस्ट मतलब संतोष गाजियाबाद से भी इनकी कट ऑफ है वो लो है। इन 15 में जो सिर्फ 2 है ना, मैं कहूँगा जो ढंग के कॉलेज हैं, सिर्फ पूरे 15 में 2, एक जो कि ठीक ठाक कॉलेज है मेरी नज़रों में, और वो है पौंडेचेरी। बात करूँ तो MGM पौंडेचेरी थोड़ा ठीक ठाक है, और अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो आप ये समझ लीजिए कि एक SRM नहीं, जो लंबा नाम है ना, श्री रामचंद्रन, वो ठीक ठाक है, अच्छा कॉलेज है श्री रामचंद्रन, मतलब वो तमिलनाडु के लोग भी प्रेफर कर लेते हैं जिनको अच्छा स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा होता। तो श्री रामचंद्रन है भी वो प्रॉपर चेन्नई में, SRM देखिए अलग है। तो श्री रामचंद्रन को हम एक अच्छे में गिन सकते हैं, और हम MGM पौंडेचेरी, वो तो अभी नीचे वाले आ जाते हैं काम चलाऊ, उसमें हम देख सकते हैं। तो हमने देख लिया कि चलो भाई MGM पौंडेचेरी ले लिया, बट उसके अलावा ये जितने भी लाइन लगा के इनके कॉलेज हैं, मतलब लाइन लगा के मैं कह रहा हूँ, ये पौंडेचेरी के जो 3 हैं, आरापीडई, श्री लक्ष्मी नारायणा, विनायक मिशन, उसके बाद आ जाओ सविता, ठीक ठाक है चेन्नई में, सविता भी ठीक ठाक है, लेकिन श्री सत्यसाई, ACS, बालाजी, चेटीनाड, विनायक मिशन, वेल्स, भारत, ललिता मंगाए तो अभी खुला भी 2021 में है, वेल्स 2021 में, मतलब ये अभी आए भी 2 साल पहले हैं और हम इनमें जा रहे हैं। अभी आज मैंने किसी वीडियो पे बात की, ललिता मंगाई भर दी है, जो मतलब 2 साल पहले आया है, और हम हालत देख ही रहे हैं, मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज कैसे बंद हो गया, ये जानते हुए भी हम चॉइस फिलिंग में
ललिता मंगई जैसे भरने में तो नाम भी ठीक से पता नहीं बोल पा रहा हूँ, ललिता मंगई पता नहीं कहाँ पर है, किस लोकेशन में है, 2 साल पहले आया है। ये है कि तू ही 2 साल पहले आया तो फिलहाल फीस कम मांग रहा है। और इन सबके जो पैकेज है ना वो 1 करोड़ से ऊपर है, कोई ऐसा छोटा वो नहीं है कि भाई आपको 70 लाख में कराया जा रहा है। तो पौंडीचेरी के कॉलेजों की बात करूँ मैं तो सब 1 करोड़ से प्लस हैं। तमिलनाडु के कॉलेजों की बात करूँ तो मैं तो भाई कुछ लोग तो 1.15, 1.20 मांग रहे हैं, मतलब जो टोटल इनके पैकेज बैठते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि विनायक मिशन 1.3, वेल्स 1.17, भारत 1.15। तो देखिए मेरी तो सलाह फिर भी ये रहेगी, अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग नहीं कर रहे, मतलब ये इन जगह तो खाली तमिलियंस को जाना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा साउथ इंडियन, क्योंकि एटलीस्ट आप फूड को लेकर आप परेशान नहीं होंगे, आपकी सेम फूड हैबिट्स है। बट एक नॉर्थ का बच्चा, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, जो सुबह शाम मछली रसम सांभर नहीं खाता, एक तो 5.5 साल रहना मुश्किल हो जाएगा। लैंग्वेज में मेजर इशू है, और सबसे बड़ी बात पढ़ाई की क्वालिटी कौन सा बहुत अच्छी है, और पढ़ाई आपको समझ ही नहीं, क्योंकि हाउ डू डिफाइन क्वालिटी। एक होता है क्लास रूम में लेक्चर दिया जा रहा है, बट थर्ड ईयर में जब क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट होगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि आप तो पेशेंट से बात ही नहीं कर पाओगे, आप नर्सेज से बात नहीं कर पाओगे। आई कैन अश्योर यू कि इस कॉलेज में जो 70% स्टाफ होगा उनको भी इंग्लिश और हिंदी नहीं आती होगी, अब क्या करें, सोच समझ के फैसला कीजिए। और दूसरी बात यह है भाई, ऐसे ही कॉलेज लेने हैं तो आपके अपने स्टेट में, यूपी में, हरियाणा की जिनकी मैं बुराइयाँ करता हूँ, राजस्थान जिनकी मैं बुराइयाँ करता हूँ, आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं 3 तक। फिर भी आपका मन नहीं मानता ना, तो मैं आपको टिप देता हूँ कि ये सारे कॉलेज अदर देन में भी भाई श्री रामचंद्रा, तो 15 में से श्री रामचंद्रा को छोड़ दो, बाकी शायद पौंडीचेरी का महात्मा गांधी भी मिला के एवरीबडी नेगोशिएट, और जो छपा हुआ फीस है उससे आपको काफ़ी कम में मिल जाती है। तो वो या तो आप डायरेक्ट जाके नेगोशिएट कर लो, या हमको फ़ोन कर सकते हो, हम अगर आपको पक्की सीट चाहिए हम आपके लिए नेगोशिएशन कर सकते हैं। मतलब कॉलेज ने इसको छाप कुछ और रखा है, और वो आपको अच्छा खासा 10-15% डिस्काउंट दे देती है। मैं फिर भी कह रहा हूँ मुझे कोई शौक नहीं है आपसे ये पैसे कमाने का, 50,000 रुपये लेने का, आप तो कोशिश करके इन कॉलेजों में लास्ट में जाइए। अगर आप नॉर्थ इंडियन है या वेस्ट इंडियन है या सेंट्रल इंडियन है, मतलब हिंदी भाषी है बेसिकली मोटा मोटी, साउथ इंडिया के 5 स्टेट से बिलोंग नहीं करते, और जाना भी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल दीज 13 कॉलेजेस डू हैवी नेगोशिएशंस। तो चाहे वो खुद कीजिए, चाहे किसी अच्छे काउंसलर से कराइए, हमसे करना चाहते हैं हमसे कराइए, हमारा सबसे कॉन्टैक्ट है, कन्फर्म आप बोलेंगे बात करा देंगे। हमारा तो सेम भाई जो हम काउंसलिंग फीस आपसे देते हैं, हमारा भाई फीस फिक्स रहता है 50,000 रुपये, और जो आपने कॉलेज में देना है, हाँ गारंटी हमारी रहेगी कि वो नेगोशिएशन वाला जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेपर है फुलफ़िल किया जाएगा। और ये सारी की सारी 13 की 13 यूनिवर्सिटियाँ, शायद सिर्फ एक SRM श्री रामचंद्रा को छोड़ के और सविता को छोड़ के, आप सब के साथ नेगोशिएट करने को तैयार बैठी हैं। और सविता की जो फीस है उसमें तो मैंने बोला आपको फिर आपको हिंदी भाषी बहुत मिल जाएंगे। तो फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोशिश तो अवॉइड करने ही करो, और जाना ही है तो नेगोशिएट करके जाइएगा। ये जो MRP मत दीजिएगा, एक टिप ध्यान में रखिए कि 15-20% नेगोशिएशन होती है, वो आपको खुद करनी है, किसी अच्छे काउंसलर से करानी है वो आपकी चॉइस है, हमसे करानी है हम पे भरोसा करते हो, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आप जानते ही हमें कॉन्टैक्ट करने का फॉर्मूला, 9643362320 पे कॉल कीजिए। चाहे आपको ये काम कराना है चाहे कुछ भी कराना है, पहली कॉल करने के तो आपको 2500 रुपये देने ही पड़ेंगे, उसके बाद आपको नॉर्मल काउंसलिंग करानी है, अलग पैकेज होगा। आपको इस तरह के नेगोशिएशन में हमारी हेल्प चाहिए, उसका मैंने आपको प्राइस बता दिया, आवर फीस इज़ ओनली 50,000, बट वी कैन अश्योर यू कि आपके 20 लाख तक पैसे बच जाएंगे। ओके, तो ज़रूर कराइए, हमसे कराइए, किसी और से कराइए, बट ये सारी की सारी आपको नेगोशिएटेड फीस में दे देंगे सीट, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनको मतलब फुल फीस देने का इनकी वर्थ नहीं है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। और हमारा नंबर 9643362320।